दर्शकों, मैं दिव्या खोपड़े और आप देख रहे हैं जेटीवी भारत। आइए रुक करते आज के मुख्य समाचारों की ओर। धार जिले के धामनोद थाना क्षेत्र के अंतर्गत मध्य प्रदेश बलाई समाज महासंघ के सदस्यों ने जातिगत भेदभाव एवं प्लाट सौदा निरस्त करने के संबंध में अनुविभागीय पुलिस अधिकारी के नाम एक ज्ञापन सौंपा है। बताया गया कि शिक्षक राजेश रावल निवासी धामनोद द्वारा रामननपुरम कॉलोनी धामनोद में एक प्लाट का सौदा दिनांक 10/1/2021 को किया गया था। प्लाट 20/50 का होकर कीमत 12 लाख रुपए कॉलोनी नाइजर मनीष गर्ग निवासी धामनोद द्वारा तय की गई थी। प्लॉट सौदे में 2.5 लाख रुपए राजेश द्वारा अग्रिम दिए गए और शेष राशि रजिस्ट्री के समय देना तय हुआ था। कुछ समय पश्चात कॉलोनी नाइजर मनीष गर्ग द्वारा सौदा निरस्त करते हुए प्लाट देने से इनकार किया गया, जिस पर राजेश द्वारा जानकारी निकलने पर पाया गया कि कॉलोनी नाइजर जातिगत भेदभाव से ग्रसित होकर इस प्रकार का कृत्य कर रहा है। वह किसी भी SC ST वालों को प्लाट नहीं दे रहा। मामले को सुलझाने के लिए राजेश रावल कॉलोनी नाइजर से उनके निवास स्थान नारायण विहार कॉलोनी में दिनांक 14/12/2022 को स्वयं मिले थे, जहां पर मनीष गर्ग ने जातिगत शब्दों से उन्हें अपमानित करते हुए प्लाट देने से साफ इनकार कर दिया था, जिस पर शिक्षक राजेश ने संवैधानिक तरीके से दिनांक 15/12/2022 को धामनोद थाना प्रभारी को आवेदन दिया था। उस पर आज दिनांक तक ना तो FIR दर्ज की गई थी, ना ही कोई उचित कार्यवाही की गई है, ना ही आज दिनांक तक राशि लौटाई गई, ना ही प्लाट दिया गया, जिसको लेकर राजेश ने उक्त प्रकरण बलाई समाज के समक्ष रख सहयोग की अपेक्षा की है। आज नगर धामनोद में रामानंदपुरम नाम की कॉलोनी, जिसका निर्माण डेवलपमेंट चल रहा है, उनके जो कॉलोनाइजर है श्री मनीष गर्ग, उनके द्वारा जो प्लाट का सौदा किया था यानी बेचा गया था, उस प्लाट के सौदे को उन्होंने जातिगत भेदभावना के तहत निरस्त कर दिया। हमारे श्री राजेश रावल जी, जो कि एक शिक्षक है, जब शिक्षक के साथ अगर इस तरह का वो हरकत कर रहे हैं तो अन्य गरीब मजदूरों के साथ वो लोग क्या करते होंगे। इतने जातिगत भावना उनके मन में है, दूषित भावना उनके मन में है कि सिर्फ वो बलही हैं, इसलिए आपने उनके प्लाट के सौदे को निरस्त कर दिया और ना ही उनको पैसे वापस दिए। पैसे की झूठी फर्जी सिग्नेचर रसीद, ये मेरा नहीं कहना है, ये स्वयं राजेश रावल का कहना है कि मुझे पैसा प्राप्त नहीं हुआ है और जो रसीद गर्ग जी ने वहाँ पर दी है वो फर्जी रसीद है। ना ही पैसा दिया, ना ही प्लाट दिया। 1.5 वर्षों से एक शिक्षक के साथ में इस तरह का वो मतलब कि षड्यंत्र करके उनको परेशान कर रहे हैं, मानसिक रूप से उनको प्रताड़ना दे रहे हैं। आवेदन दिया गया था क्या उनके द्वारा? उनके द्वारा 6 महीने पहले आवेदन दिया गया था, लेकिन पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। आज समाज अपनी एकता के साथ आया हुआ है और पुनः निवेदन किया है, और अगर जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं होती है तो आसपास का SC ST समाज पूर्ण रूप से महेश्वर फाटे पर एकत्रित होकर एक शक्ति प्रदर्शन करेगा और ये पूरी मामला जो है इस पूरी कॉलोनी की जाँच कराने के लिए कमिश्नर और CM तक ये मामला भेजेंगे। उसमें कुछ त्रुटियाँ आपको पता है? त्रुटियां उसमें मुझे जो लगता है, पहली त्रुटि ये है कि अगर उनके पास में रेरा क्लियरेंस नहीं था तो उन्होंने प्लाट कैसे बुक कर दिया। नियम ये कहता है कि आपको सबसे पहले कानूनी निर्माण करने के पहले उसके सारे पेपर्स तैयार करने हैं, और पेपर तैयार होने के बाद ही आप प्लाट की बुकिंग कर सकते हैं।